नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के चंदवल गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त चाचा ने अपने 3 वर्षीय मासूम भतीजे की पटक पटक कर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना रात की है, जब अंशु अपनी मां के साथ घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। उसी दौरान उसका चाचा अनुज, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, उसे मां के पास से उठाकर ले गया। अनुज ने मासूम बच्चे को गांव की झाड़ियों में पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। शक के आधार पर परिजनों और ग्रामीणों ने अनुज को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस की पूछताछ में अनुज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस घटना ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया और ग्रामीणों में गहरा दुख भी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। जनपद रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवल गांव है, वहां 3 वर्षीय बालक की हत्या की सूचना है और मौके पर पुलिस यहां पे मौजूद है। मैं स्वयं भी मौजूद हूं और घटना जो है, उसके सगे चाचा जो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त है और नशे आदि का सेवन करता है, उसके द्वारा की जानी प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है। पुलिस उसे हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है और ये तथ्य प्रकाश में आ रहा है कि वह पहले भी बच्चों, छोटे छोटे बच्चों पर हमला करता रहा है और अपनी भाभी से नशे इत्यादि के लिए पैसे की मांग भी करता है और इस कारण से वो परेशान और रहता है। और कल रात की उनके घर वाले बता रहे हैं कि 3 बजे उनकी माँ के सोने के बाद बच्चे को उठा करके घर के ही पीछे, झोपड़ी नुमा घर है उसके पीछे, नाले के पास ले गया है, जहाँ पर उसकी हत्या कर दी है। इस संबंध में विवेचना जांच